ओके बेटा थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं वन ईयर कैलिपर का। लेट्स से ये क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन में वो आपसे कह रहा है इसकी रीडिंग बताएं। ठीक है, ये ऊपर मेन स्केल है, डिफरेंस ये है कि यहां लिखा है 30-40 और यहां पर लिखा है मिलीमीटर। इसका मतलब स्केल मिलीमीटर में है। यहां पर डिवीजन है 10 डिवीजन अगर नोट करें। यहां पर इसने ये बाउंड्री बना दी। एक बात याद रखना कि ये जीरो नहीं है। अगर ये इसको क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब ये एक तरह से इसने इसकी बाउंड्री बनाई है। इसका जीरो जो है वो यही वाला काउंट होगा, यही जीरो काउंट होगा। ठीक है, जहां से क्लोज कर दे तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा है एक तरह से। अब याद करें जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टेप वन बताया था, ऑब्जर्व दैट मेन स्केल रीडिंग विच कम्स बिफोर वर्नियर स्केल जीरो। वर्नियर स्केल जीरो के पहले मेन स्केल जो आ रहा है, अगर तुमने वर्नियर स्केल का जीरो इसको समझ लिया तो गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। वर्नियर स्केल का जीरो ये नहीं है, ये तो एक बाउंड्री है जो इस तरह से इसने क्लोज कर दी है। ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वर्नियर स्केल का जीरो ये है, ठीक है, यहां जीरो है और यहां 10 लिखा हुआ है। तो वर्नियर स्केल के जीरो से मेन स्केल की ये रीडिंग है पहले। स्टेप वन क्या था याद रखेंगे, नोट दैट मेन स्केल रीडिंग विच कम्स बिफोर वर्नियर स्केल जीरो। बिफोर वर्नियर स्केल जीरो तो ये 30 है और 40 है, तो इसका मतलब एक डिवीजन 1, 2, 3 चल रहा है, तो 31, 2, 3, 4, 5, 6 ये रीडिंग आ गई आपके पास 36 मिलीमीटर, मिलीमीटर में है। स्टेप वन में तुमने इस तरह से लिख दिया कि 36 मिलीमीटर। अब आ जाए स्टेप टू। स्टेप टू में क्या बताया था, ऑब्जर्व दैट वर्नियर स्केल डिवीजन विच एग्जैक्टली कंसाइड्स विथ एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। बिल्कुल क्लोज ले आओ इसको, 10 डिवीजन नजर आए बस बस। अब देखें जरा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जीरो नहीं कर रहा, वन नहीं कर रहा ऊपर वाले से, टू नहीं कर रहा, थ्री नहीं कर रहा, फोर नहीं कर रहा, फाइव सिक्स सेवन कर रहा है। अब नोट करो तो तुम कहोगे सर सेवन डिवीजन कर रहा है, मगर सेवन के बाद नाइन भी तो कर रहा है, मगर इसमें जो पहले डिवीजन मैच करने लगे आप उसको नोट करेंगे, बाद वाला नहीं। अगर दो डिवीजन्स मैच कर रहे हो तो उनमें से जो पहला वाला डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा हो उसको आप देखेंगे। वर्नियर स्केल लिखना है, गलती से 40 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेप टू में हम वर्नियर स्केल डिवीजन को काउंट करते हैं। तो वर्नियर स्केल का ये सातवां डिवीजन है, सेवेंथ डिवीजन है, विच एग्जैक्टली कंसाइड्स विथ एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो दैट सेवेंथ डिवीजन विल मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट। यहां देखो डायग्राम में मिलीमीटर दिया हुआ है। अब मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है पहले कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर में ये है, मगर मिलीमीटर में 0.1 है। तो जब आप लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 0.7 मिलीमीटर। स्टेप थ्री में मैंने कहा कि आप दोनों स्टेप को ऐड कर लें, तो 36 में ऐड कर दें 0.7, तो 36.7 मिलीमीटर ये आंसर होगा। स्केल पर आप पहचान जाएंगे कि यूनिट क्या है, उसके हिसाब से जवाब देंगे। या ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो फोर ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी। उन फोर ऑप्शन में चार ऑप्शन में अगर मिलीमीटर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारा स्केल मिलीमीटर में है। उन ए बी सी डी चारों ऑप्शन में अगर यूनिट सेंटीमीटर यूज हो रहा है तो तुम्हारा स्केल समझ लो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब आ जाए एक दूसरी एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में वो आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट पॉजिटिव जीरो एरर। अब मुझे कैलकुलेट करना है पॉजिटिव जीरो एरर। तो देखो जीरो एरर पॉजिटिव कैलकुलेट करने के लिए एक बात नोट करें कि ये जो आपको दिया हुआ है स्केल क्या यहां लिखा हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग जीरो है। स्टेप वन क्या था याद करो, स्टेप वन था नोट दैट मेन स्केल रीडिंग विच कम्स बिफोर वर्नियर स्केल जीरो। वर्नियर स्केल जीरो से पहले वाली रीडिंग भाई जीरो है, तो स्टेप वन तो जीरो हो गया। वर्नियर स्केल से जीरो मेन स्केल की रीडिंग देखनी है, वो तो है ही जीरो, तो वो तो जीरो ही काउंट होगी। स्टेप टू क्लोज ले आओ।
दैट मेन स्केल रीडिंग चेक करें वर्नियर डिवीजन का कौन सा स्केल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। नोट करें जरा और से, ये 0-1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, ये वाला देखें 3 एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अगर 3 वाला डिवीजन देखें तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। स्टेप टू में आप लिखेंगे 3 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, क्योंकि स्केल पर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर दें 0.01 सेंटीमीटर से, तो यह आंसर आ गया 0.03 सेंटीमीटर। स्टेप 3 में हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ऐड करते हैं भाई, तो मेन स्केल रीडिंग तो है 0, जब इसमें आप ऐड करेंगे 0.03 तो आंसर आएगा 0.03 सेंटीमीटर, यही आंसर है। यह है इसका लीस्ट काउंट, क्योंकि इसका मेन स्केल तो 0 है, सही है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अब यहां पर देखो, तो यहां पर मेन वर्नियर स्केल 0 लेफ्ट पर है मेन स्केल के, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, यहां नोट कर लें, ये क्वेश्चन 3 है। कैलकुलेट नेगेटिव 0 एरर, अब उसने कह दिया तुमसे नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। अगर नेगेटिव 0 एरर है तो फिर दोबारा अब आप यहां पर करेंगे स्टेप 1, मेन स्केल 0 की वो रीडिंग जो वर्नियर स्केल के 0 से पहले आ रही है, और वर्नियर स्केल 0 से पहले तो कोई रीडिंग ही नहीं है, ठीक है, उसके बाद 0 आ रहा है, तो सिर्फ इस वाले केस में नेगेटिव 0 एरर में स्टेप 1 0 ही रहेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 0 ही है, मेन स्केल 0 तो 0 ही रहेगी। स्टेप 2 में देखें, नीचे चले जाओ, नीचे वर्किंग कर रहा हूं मैं, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में चेक करो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, क्लोज करना वर्नियर स्केल का, ये 0 के बाद ये 1 मैच नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 मैच कर रहा है, 6 डिवीजन है जो मैच कर रहा है। ऊपर कोई भी नंबर लिखा है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे नीचे वाला डिवीजन देखना है। स्टेप 2 में नीचे वाला डिवीजन मैच कर रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट है आपके पास 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 0.06 सेंटीमीटर, तो आप यहां लिखेंगे कि नेगेटिव 0 एरर इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर, बस यही आंसर है, क्योंकि स्टेप 3 में हम स्टेप 1 और 2 को ऐड करते हैं, स्टेप 1 में वही वाली बात है कि 0 है और ये वाला ये ऐड होगा। यहां माइनस मत लिखना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं ये आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव 0 एरर वाली रीडिंग हमेशा आखिर में ऐड होती है, और ये दिखाओ जरा पॉजिटिव 0 एरर वाली रीडिंग हमेशा आखिर में सब्ट्रैक्ट होती है, राइट। अब आपके पास जो मेन लास्ट क्वेश्चन है इस वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड रिपीजन है, वो आ गया यहां पर ये। अब क्वेश्चन नोट करें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे कहता है कि लेंथ ऑफ रॉड इज, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखते जाएं, लेंथ ऑफ रॉड इज मेजर्ड इट्स पॉजिटिव 0 एरर व्हेन वर्नियर कैलिपर इज क्लोज्ड, इस पॉजिटिव 0 एरर, जब वर्नियर कैलिपर बिल्कुल मैंने क्लोज किया तो इसका पॉजिटिव 0 एरर, इस पॉजिटिव 0 एरर इज मेंशन एंड ऑल्सो फाइनल रीडिंग इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड। एक रॉड को, क्वेश्चन को समझें, एक रॉड की लेंथ को मैं मेजर कर रहा हूं, उस लेंथ की रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने वर्नियर कैलिपर यूज किया। सबसे पहले मैंने इनिशियली वर्नियर कैलिपर जब देखा तो मैंने देखा कि यार इनिशियल पोजीशन ऑफ वर्नियर कैलिपर पर 0 0 से मैच नहीं हो रहा था,
जब 0-0 से मैच नहीं हो रहा था तो इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ एरर था, 0-0 से मैच नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ एरर है। अब ये तुम्हें एग्जाम में बताना है कि भाई ये कौन सा एरर है। तुम कहोगे 10 डिवीजन वाला जीरो, वन ईयर जीरो राइट साइड पर है, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव जीरो एरर है। और फाइनल रीडिंग फिर उसने ये दिखाई है, ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है आपको, वन ईयर कैलिपर दो रीडिंग दी होंगी, एक ये इनिशियल वाली पॉजिटिव रीडिंग बता रहा है, पॉजिटिव जीरो एरर बता रहा है, दूसरी रीडिंग ये बता रहा है कि जब मैंने ये रॉड लगाई फॉर एग्जाम्पल, तो रॉड लगने के बाद वर्नियर कैलिपर की जो फाइनल पोजीशन थी वो ये शो कर रही थी। अब वो आपसे कह रहा है कि बताएं रॉड की लेंथ क्या होगी। सबसे पहले तो आप इसका पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर इस स्टेप से निकालेंगे। देखो मैं यहां वर्किंग कर रहा हूं, स्टेप वन इनिशियल वाली रीडिंग मेन स्केल की जीरो है, वर्नियर स्केल जीरो से पहले जीरो है तो वो तो जीरो ही लिखी जाएगी। स्टेप टू, कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, क्लोज करें, जीरो मैच नहीं कर रहा, वन मैच नहीं कर रहा, टू मैच नहीं कर रहा, थ्री मैच नहीं कर रहा, वन टू थ्री मैच नहीं कर रहा, फोर मैच कर रहा है, एग्जैक्टली फोर मैच कर रहा है। फोर को मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट से, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये देखो स्केल सेंटीमीटर में दिया हुआ है। फोर को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.01 से, तो तुमने कहा ये मेरे पास एरर आ गया 0.04 का। स्टेप थ्री में जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा स्टेप थ्री में टोटल पॉजिटिव जीरो एरर 0.04 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया, सही, ये टोटल पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। अब उसने तुम्हें ये अगला एक और वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है रॉड खुलने के बाद, अब वर्नियर कैलिपर की ये पोजीशन है। अब इसमें नोट करें, अब इसका स्टेप वन नोट करो, स्टेप वन ऑब्जर्व दैट मेन स्केल रीडिंग विच कम्स बिफोर वर्नियर स्केल जीरो से पहले वाली ये रीडिंग है भाई, थ्री ये है 3.1 3.2 3.3, आप कहेंगे ये रीडिंग 3.3 है, नोट कर लो 3.3 सेंटीमीटर लिख लो। स्टेप टू ऑब्जर्व दैट वर्नियर स्केल डिवीजन विच एग्जैक्टली कंसाइड विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, 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 ये मैच कर रहा है, तो काउंट करें ये कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6। तो फिर 6 को मल्टीप्लाई कर दें, वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दें लीस्ट काउंट से, सेंटीमीटर में है तो आप कहेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर। जब तुमने इसको मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास आ गया 0.06 सेंटीमीटर। और स्टेप 3 में 3.3 में ऐड कर दें 0.06 को, जो हम ऐड करते हैं बेसिकली, तो ये आ गया 3.36 सेंटीमीटर। फाइनल रीडिंग ये नहीं है, ये रॉड खुलने के बाद की रीडिंग है, मगर जब मैंने शुरू में वर्नियर कैलिपर क्लोज करके रखा हुआ था तो उसमें इनिशियल जीरो एरर ये आया हुआ था। अब याद रखना ये पॉजिटिव जीरो एरर था। अब आप जो फाइनल रीडिंग लिखेंगे तो आप कहेंगे लेंथ ऑफ रॉड, यहां जो लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग में से पॉजिटिव जीरो एरर तुम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, पॉजिटिव जीरो एरर आया था 0.04 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव जीरो एरर ऊपर लिखवा चुका हूं सारा, सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा क्योंकि ऑलरेडी ये स्टार्टिंग में ज्यादा वाली रीडिंग होती है, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.32 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल आंसर है। फोर्टींथ जून से, जरा गौर से सुने, 14th जून से जो आपको फोर बुक्स मिल रही हैं, उनमें से एक बुक में आपको जो बुक वन है, ठीक है, जब आप देखेंगे बुक वन को खोलेंगे उसमें शुरू में नोट्स हैं, रिवीजन सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, नोट्स हैं पूरे प्रॉपर, उसके बाद उसमें जो है वो क्वेश्चन दिए हुए वर्नियर कैलिपर के बहुत सारे, इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, तो वर्नियर कैलिपर के सारे क्वेश्चन आप वहां से करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से
जब उसके आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा जैसे हमने ये सारी रीडिंग ली है। नोट्स में फिर भी इतना नहीं है, यहां मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ तुम्हें समझाया है। अगली वीडियो में आप देखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, मेजरिंग टेक्निक्स का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट। तो ये यहां तक अपने पास सारी चीजें लिख लें।